हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कवि मन ब्लॉग और मैं हूं कविता। देखिए मैं रेडी हो चुकी हूं, बाबू और हबी जा चुके हैं, आज हम जा रहे हैं मथुरा। तो ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मथुरा में हम जाएंगे प्रेम मंदिर, वैष्णो देवी माता के मंदिर, जन्मभूमि। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा और अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आप ब्लॉग में बने रहिए, अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ओके, चलते चलते गाइस हमें लगा कि थोड़ा सा हमें ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा सा मतलब हमें यहाँ रुककर रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं। बट यहाँ पर अर्णव को झूले दिख गए तो उसने तो कुछ भी नहीं खाया पिया, बस वो झूला झूलने में ही लगा रहा। देखिए अब कितनी मस्ती कर रहा है वो यहाँ पर, वो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा खुश है, आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए चलिए गाइस अब चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। देखिए कितना सुंदर व्यू है। खुशियां दूंगा पहरेदार हो गए। स्माइल करो नो स्माइल। वृंदावन आ चुके हैं तो हम आपको दिखाएंगे आगे अपने ब्लॉग में कि हम कितनी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए आप ब्लॉग में बने रहिएगा जब तक। चलिए आपसे हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस आप ना ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आपको अंदर का व्यू दिखा देती हूँ। इस टाइम हम होटल में चेकिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सब दिखाती रहूंगी। हाय गाइस, यस बाबू कैसा लग रहा है आपको वृंदावन आकर? एंजॉय कर रहे हो आप? आप जिस होटल में रुके हैं वहाँ पे आपको स्टे करने में कैसा मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। मैं तो इधर से टॉयज खरीदूंगा। टॉयज खरीदोगे और क्या करोगे? लड्डू गोपाल लेके जाएंगे हम अपने घर। मैं तो और अपने न्यू शूज से दौड़ूंगा भी। दौड़ोगे भी? अच्छा, तो एंजॉय कर रहे हो आप इस ट्रिप को? अच्छा लग रहा है आपको? बाय गाइस, ये होटल है जिसमें हम आज रात स्टे करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए गाइस जिस होटल में हम रुके हैं ना वहाँ पर भागवत हो रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। ये देखिए हम लिफ्ट में, मैं आपको लिफ्ट से ही दिखा रही हूँ। देखिए जब तक भाई और हबी रूम को अनलॉक कर रहे हैं तब तक मैं आपको अपना होटल दिखा देती हूँ जिसमें हम आज रात स्टे करेंगे। ये देखिए
ये रूम के बाहर का एरिया है, और ये जो आपको ग्रिल पर टेंट बना हुआ दिख रहा है ये वही है जो नीचे भागवत हो रही थी उसी का टेंट बंधा हुआ है। मैं आपको चारों तरफ से दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये नीचे भागवत हो रही है। मैं ना आपको अपना रूम दिखा देती हूँ, देखिए कितना अच्छा रूम है हमारा। लाइट ऑन कर लो ना। देखिए मैं आपको रूम दिखा देती हूँ, और आप देखिए विंडो के बाहर का ये व्यू देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है। मतलब बाहर थोड़ा सा स्पेस खाली है, उसके बाद खेत ही खेत दिख रहे हैं, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही है, और ये व्यू यार ऑसम है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा व्यू है ये। और भाभी कैसा लग रहा है आपको यहाँ? मुझे वृंदावन आके बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ की जर्नी में देखना चाह रही हूँ कि कैसा है वृंदावन। और प्रेम मंदिर हम घूमने जा रहे हैं तो हम आपको इसके आगे का दिखाएंगे। ओके देखिए गाइज, हम प्रेम मंदिर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, आप खुद ही देख सकते हैं। मैं देखो आपको दिखा देती हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं इस टाइम पर कितनी भीड़ है। और रात के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि जो प्रेम मंदिर की लाइटिंग होती है वो रात में ही देखने को मिलती है, तो रात में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है प्रेम मंदिर। इसी तरह से इसी वजह से रात को जो है प्रेम मंदिर में बहुत ज़्यादा रश रहता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए के टाइम में ये फाउंटेन का शो होता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं, ये पूरा फाउंटेन का शो है। और देखिए इसको देखने के लिए कितना ज़्यादा रश है, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। प्रेम मंदिर में रात के टाइम ही ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि जो प्रेम मंदिर में लाइटिंग लगी हुई है, जो कलरफुल लाइटिंग है, वो प्रेम मंदिर को और भी ज़्यादा सुंदर बना देती है, तो वो देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा यीशु रातों लाल
गाइस, हम खड़े हुए हैं जस्ट प्रेम मंदिर के बाहर और आप इसकी लाइटिंग देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। रात के टाइम में प्रेम मंदिर और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। तो मंदिर की मैं आपको थोड़ी बहुत ही क्लिप दिखा पाऊंगी क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोटो और वीडियो बनाना मना है, तो मैं थोड़ी बहुत ही क्लिप बना पाई हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है अंदर का व्यू। हेलो गाइस, हम इस टाइम पे खड़े हुए हैं प्रेम मंदिर में, आप देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ की लाइटिंग वगैरह देखिए कितनी अच्छी है। मतलब यहाँ आकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, यहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी है। प्रेम मंदिर के अंदर हमें मतलब वीडियो ले जाना या फोटो खींचना अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपसे बाहर को ही दिखा रहे हैं यहाँ का व्यू कि कैसा है। तो भाभी आपको यहाँ आकर कैसा लगा? फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। ऐसा लग रहा है एक दो दिन स्टे करके जाए, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार प्रेम मंदिर जरूर आइएगा, जरूर यहाँ के दर्शन जरूर करें। यहाँ मतलब इतना अच्छा है, मतलब आप लाइटिंग वाइटिंग देख सकते हैं, देखिए कितनी सुंदर लग रही है और अंदर का व्यू तो और भी अच्छा है। मौसम है कि आपका मन करेगा कि वहाँ से हम निकले ही नहीं, बट फोन लेना अलाउड नहीं है, फोन लेके जाना तो हम अंदर की क्लिप्स तो हम नहीं बना पाए, थोड़ी बहुत ही बनाई है हमने तो हम उसमें ऐड कर देंगे वो। देखिए गाइस कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है। इस दृश्य में कान्हा जी ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है, इस दृश्य में यही दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए मास्क ज्यादा अच्छी आ रही है। गाइस अब रात के 9 बज रहे हैं और इस टाइम पर जा रहे हैं हम होटल में। हम किसी और मंदिर में नहीं जा सकते क्योंकि जो मथुरा है, वृंदावन है, वहाँ पर 8:30 के बाद सभी मंदिर बंद हो जाते हैं। तो गाइस हम सुबह जाएंगे वैष्णो देवी माता के मंदिर, तो मैं वहीं आपको दिखाऊंगी सब कुछ। देखिए गाइस हम आ चुके हैं माँ वैष्णो देवी माता के मंदिर के बाहर एंट्री गेट पर। तो चलिए अब हम थोड़ी देर में अंदर चल देते हैं, मैं आपको अंदर का सारा व्यू दिखाती हूँ अभी। देखिए गाइस हम आ चुके हैं माँ वैष्णो देवी माता के मंदिर में, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। मोबाइल मोबाइल तो टिकट तो लो गाइज, अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर का व्यू तो आपको नहीं दिखा पाऊंगी बट मैं बाहर का आपको सारा व्यू दिखा देती हूँ। देखिए आप बाहर से कितना सुंदर है, ये देखिए। हम इस टाइम पर खड़े हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर में, तो मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा पाई क्योंकि जो है यहाँ पे अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो जो भी बाहर का व्यू है मैंने वो आपको दिखा दिया है। चलिए गाइस यहीं पर मैं अब इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।